हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के दिन में दो वीडियो आ चुकी है इन दोनों वीडियोस को जाके एक बार थ्रू कर लीजिएगा कार ट्रेड से रिलेटेड है और यहाँ पर हम बात कर हैं एक और वीडियो आई है एशियन ग्राइंड से रिलेटेड कैसे आप लिंक इन टाइम से इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी का एसबा है या नहीं है तो वहां पर आप जाके एक बार पता कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं कुछ पर, पर्टिकुलर आ, जिस जिस चीज से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं वो है एक आईपीओ एक आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया जो हम एस एम ई आई जिसे कहते हैं गरीबों का आईपीओ एक तरीका अमीरों का आई सॉरी एक तरीके से कहते हैं तो क्या होता है एस एम उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की

तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सी डब्ल्यू डी लिमिटेड आईपीओ ये आईपीओ है ओके okay, ये किस तरीके का आईपीओ है ये है अमीरों का आईपीओ अमीरों का आईपीओ क्यों पी ओ है आ, क्योंकि एक एस एम ई आई पी एस एम ई आई क्या होता है तो एस एम ई आई के लिए आपको सबसे पहले ना हमारी एक वीडियो देखना पड़ेगा कि व्हाट इज एस एम ई आई ये दो महीने पहले हमने यहाँ पर डाली थी मेन बोर्ड आईपीओ एस एम ई आई, आई क्या क्या फर्क होता है किस तरीके से आ, कौन इसका रेगुलेटर होता है वो सब चीज आपको पता होता हुआ चलेगा तो एस एम ई आई फिर भी शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ एक ऐसा आईपीओ मतलब एस एम एस का मतलब स्मॉल एम का मतलब मीडियम ई का मतलब है

आपने पारस का आईपीओ पी ओ लिया या आपने आदित्य बिरला का लिया तो आपने एक आईपीओ के लिए मैक्सिमम फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ दिए एक लॉट के लिए बट अगर यहाँ पर बात करें तो आपको वन लाख रुपीज से ज़्यादा देना पड़ता है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से ज़्यादा ही देना पड़ता है तो एक उसके आसपास देना पड़ता है इसलिए इसे अमीरों का आईपीओ पी ओ कहता है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि यहाँ पर थोड़ा पैसा लेके आता है वो यहाँ पर लगाएगा तो फिर उसका यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा फिर क्योंकि ये ऐसे में आई पर थोड़ी रिस्की होती है इनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं होती एज वेल एज ये स्टार्टअप होते हैं अगर भागेंगे तो ऐसे भागेंगे और गिरेंगे तो फिर इस तरीके से गिरेंगे तो वो चीज समझने की जरूरत है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी डब्ल्यू डी इनोवेशन कंपनी से रिलेटेड तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो कंपनी है ये ऐसे ब्लूटूथ सेगमेंट या उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है जैसे कि यहाँ देखिए बेस्क डिजाइन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस मतलब ए सी डब्ल्यू डी डेवलप प्रोडक्ट्स आर फोकस ऑन वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है इधर शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी लाइक एन एफ सी ब्लूटूथ बी एल ई वाईफाई जिग बी इमेटरेज सिस्टम लाइक लोरा एंड लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक फाइव जी एल टी एन बी आईओटी एल टी सी ए टी इट्स ऑफरिंग कैन बी मेजर डिवाइडेड इंटू स्मार्ट कनेक्टिविटी मॉड्यूल कने कनेक्टेड प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन सी डब्ल्यू बी इज एंड टू एंड इंटीग्रेटी सोल्यूशन प्रोवाइडर एंड अगर आप, आप सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ये ऐसी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं मतलब सॉफ्टवेयर एज वेल एज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स uh, दोनों का संगम करके मतलब दोनों का यहाँ पर मिला के ए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि यहाँ पर आप ब्लूटूथ या फिर हम बात करें uh, यहाँ पर ईजिली यहाँ पर अपने फोन से कनेक्ट करते हैं आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो उससे कनेक्ट कनेक्ट करके यहाँ पर उस प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट वायरलेस थर्मोमीटर मतलब ऐसा थर्मोमीटर इन्होंने बना रखा है जो कि आप अपने फोन से कनेक्ट करके एज वेल एज यहाँ पर अगर आप देखेंगे अः Uh, ये प्रोडक्ट्स को आप टेम्परेचर आप सिंपली अपने बॉडी पे लगा के टच करके यहाँ पर यू आ, इनके प्रोडक्ट्स को मतलब आप इनका टेम्परेचर आप इजीली नाप सकते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड देखिए एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन प्रोडक्ट एंड साइड वाई फाई बी एंड अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी अगर बात करें तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स का आगे चल के Uh, अगर हम बात करें चलने वाले आगे चल के इसी तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ होने वाले हैं क्योंकि अभी तक आप टेम्परेचर क्या के, के किस थर्मोमीटर से यूज़ करते थे जो मार्केट में आता था डॉक्टर उसे मुंह में डाल के यहाँ पर चेक करता था या फिर क्या कहते हैं आपके बगल में लगा के वो चेक करता था टेम्परेचर बट ऐसा टेम्परेचर ऐसा डिवाइस आ गया कि आप यहाँ पर टच करेंगे अपनी बॉडी पे वो आपको सब कुछ यहाँ पर बताता हुआ दिखाई देगा आपका टेम्परेचर तो यहाँ पर देखिए और आई थिंक इसके लिए पी स्कीम्स भी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है तो शायद इस कंपनी को सीट का फायदा भी हो सके फोकस ऑन वायरलेस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन एंटरप्राइजेस एक बार यहाँ पर अगर हम जाएंगे और इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट है इसे अपनी बॉडी पे आप पर टच करेंगे तो, तो आपको यहां पर बताता हुआ नजर आएगा और यहां पर देखिए 1.3 यहां पर सब कुछ दिख रहा है 90 डेज की यहां पर इसकी बैटरी यूज की जाएगी लाइट वेट है तो यही सही है सारा के सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से यूज किए जाते हैं तो यहाँ पर रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है सिंपली अगर बात करें यहाँ पर ऐसी उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है जो कि डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कनेक्ट होता है जो की सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स का समावेश है और यहाँ पर बात करें काफी बेहतरीन इसी तरीके की टेक्नोलॉजी आज नहीं तो यहाँ पर कल पर यूज होने ही वाली है तो इस चीज को थोड़ा समझना होगा एक बार बात करते हैं यहां पर कुछ और डिटेल्स की तो देखिए एंड टू एंड इंटीग्रेटी सोल्यूशन प्रोवाइडर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चर स्ट्रॉन्ग आर एंड डी एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज वाइड पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्केलेबल बिजनेस मॉड्यूल तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने अपने बिजनेस uh, के बारे में तेजस कोठारी और मिस्टर एस सिद्धार्थ

सिंपली ये जाते हैं यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होते हैं मार्केट में लिस्ट लेक होके यहाँ पर पैसा उनके पास अच्छा खासा आ जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज जो कि हमें यहाँ पर बताती है अब बात करते हैं कुछ डिटेलिंग से रिलेटेड तीस तारीख को ये मतलब कल की डेट में आईपीओ ओपन हुआ था पाँच तारीख इसकी लास्ट डेट है ओके इशू टाइप की अगर हम बात करें फिक्स प्राइस होता है ऑलरेडी मैं हर एक आईपीओ में बताता हूं कि दो तरीके एक फिक्स प्राइस होते हैं और एक अगर बात करें एक दो बैंड अलग अलग प्राइस होते हैं जो अलग अलग प्राइस के होते हैं मतलब एक दे रखा होता है बुक बुक बिल्डिंग जिसे कहते हैं अ, कि पाँच और पाँच का प्राइस तो ऐसा होते हैं तो वो मोस्टली मेन बोर्ड आई होते हैं और जो फिक्स प्राइस के होते हैं वो मोस्टली एस एम होते हैं एक प्राइस दे देते हैं उसी पर आपको यहाँ पर कट ऑफ देनी है वही प्राइस पे आपको शेड मिलेगा फेस वैल्यू दस की है एक रुपए पर शेयर पे यहाँ पर आपको ये आईपीओ लेना होगा और कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा और एक लॉट में कितने शेयर आएंगे 800 शेयर यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे मिनिमम भी यही है मैक्सिमम भी यही है तो मतलब आठ शेयर के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर अमीरों का आईपीओ कहते हैं क्योंकि आठ सौ मल्टीप्लाई वन एटी करेंगे तो वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड के आसपास होगा लिस्टिंग होगी तो देखिए लिस्टिंग यहाँ पर जो होती है एसएमई और मेन बोर्ड में यही होता है मेन बोर्ड में जो आईपीओ जैसे कि आप कोई भी इन्फोसिस टी से कोई भी शेयर लेते हैं तो से भी निगरानी करता है बट यहाँ पर निगरानी कौन करता है यहाँ पर केवल एक्सचेंज जहाँ पर ये लिस्ट होता है तो यहाँ पर कभी बीएससी पे एसएमई पे लिस्ट होता है कभी एन एसएमई पे लिस्ट होता है तो यहाँ पर जहाँ भी ये लिस्ट होते हैं तो याद रखिएगा वही इसकी निगरानी भी करते हैं Uh, इसका से, भी से कोई रिलेशन नहीं रहता है आठ तो uh, लाख शेयर, शेयर। मतलब पचास हजार है बाकी एक लाख पचास हजार की बात करे ओ एफ एस है मतलब कुछ यहाँ पर प्रोमोटर्स यहाँ बेच रहे हैं मतलब दो करोड़ सत्तर uh, लाख के आसपास पास यहाँ पर ओ है बाकी पंद्रह करोड़ इकतीस लाख यहाँ पर फ्रेश इशू यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है इसके अलावा हम यहाँ पर और कुछ डिटेल से रिलेटेड अगर हम देखें तो देखिए मिनिमम मैक्सिमम लॉट आपको बता ही दिया एक लाख चौंवालीस हजार रुपये का यहाँ पर आईपीओ आएगा इसलिए ही इसे अमीरों का आईपीओ कहते हैं क्योंकि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा इतना पैसा तो या तो आप करोड़पति हो तो अब यहाँ पर लगाने की सोचिए वरना एक छोटे मोटे यहाँ पर रिस्क लेना यहाँ पर अच्छी बात नहीं होती ये मेरा एक रिव्यू भी है इस तुरंत के तुरंत अगर हम बात करें यहाँ पर होल्डिंग की तो यहाँ पर देखिए कंपनी की होल्डिंग अभी हंड्रेड है बट आईपीओ आने के बाद सेवेंटी यहां पर होती हुई नजर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? आपको अप्लाई करना है यानी जीएमपी की बात करें तो देखिए ये इन शेयरों की जीएमपी मोस्टली दिखाई नहीं देती ओके अभी मैंने देखने की भी कोशिश करी यहाँ पर जो भी होगा लास्ट में हम देख लेंगे फिर भी एक बार आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा गूगल पे बट अगर यहाँ पर देखे तो कंपनी देखिए अच्छा खासा बिजनेस कर रही है नो डाउट यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव से प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी जहाँ पर केवल पचास लाख का प्रॉफिट हुआ था वहाँ पर दुगना प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है एक करोड़ रुपए कैसे ज्यादा एक करोड़ चालीस लाख तो कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है बट स्टार्टअप है स्टार्टअप का मतलब होता है सिंपल रिस्क लेना कल की डेट में यह भी हो सकता है कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपका मल्टी बैगर हो जाए कल की डेट में यह भी हो सकता है कि आपने एक लाख चुम्वालीस हजार रुपये लगाए तो यहाँ पर ये चुम्वालीस हजार ही रह जाए और यहाँ पर एक लाख चौवालीस हजार शायद एक करोड़ भी बन जाए तो ये सारा इस, आ, इसका खेल होता है तो अगर आप रिस्क लेने वाले हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर थोड़ा सा दूर रही। दूरी बना के रखिए तो अच्छी खास बातें रहेगी यहाँ पर देखिए सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इक्यावन लाख से सीधे एक करोड़ बयालीस लाख इसके अलावा हम रिजर्व्स की बात करें रिजर्व्स यहाँ पर घाटे में है बट यहाँ पर रिजर्व्स दो करोड़ अट्ठावन नेगेटिव था यहाँ पर एक करोड़ सोलह जो कि अच्छी बात है यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है बोराइंग यहाँ पर बात करें वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है वर्किंग प्रोग्रेस में वन पॉइंट करोड़ रुपीज़ के आसपास है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है कैश की बात करें तो लगभग चालीस हजार के आसपास का कैश भी है चार लाख रुपए के आसपास का कैश है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है इस बार प, आ, यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव है as well as है लाख रुपए का एज एज वेल बात के आसपास काफी बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न ने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है अभी यहाँ पर क्या चल रहा है हंड्रेड परसेंट है या अभी आने का सेवेंटी टू पॉइंट टू नाइन हो जाएगा जब लिस्ट होगा तब एक अलग से शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा तब डिसाइड होगा तो मेरी तरफ से तो यहाँ पर अगर रिस्क लेना है तो अच्छी कंपनी है टाइम देना पड़ेगा शायद हो जाए बट um, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है और यहाँ पर जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे है पांच दस लाख रुपए यहाँ पर के मार्केट में काम करते हैं या फिर uh, तो यहाँ पर इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट में पैसा दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करके बन सकता है सो so, यहाँ पर कहते हैं ना रिस्क रिवॉर्ड रेश बेस्ट वैल्यू बाइंग इसी तरह वही चीज तो हम यहाँ पर सिखाते हैं कि वैल्यू बाइंग यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पर पहुंचाइए ताकि हमारी हमें बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ सके सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस